हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और मैंने पीछे इनपुट्स मांगे थे कि कौन सी कंपनी का एनालिसिस सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, तो राजेश एक्सपोर्ट्स सबका फेवरेट था। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम सबसे ज़्यादा आया वो थी सिटी यूनियन बैंक। तो आज हम सिटी यूनियन बैंक का जो एनालिसिस है वो करेंगे। इन जनरल पहले बैंकिंग के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर सिटी यूनियन बैंक को देखेंगे क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। और मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ कि नहीं ये मैं बाद में बताऊँगा, पर पहले मैं आपको इसका जो ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं और इन जनरल बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों को नज़र में रखना होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखें और आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइम पे। और अगेन, यहाँ मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी को लेके या किसी भी और स्टॉक को लेके। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पसेस से जो मेरे पास एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है वो आपका अपना है, आपका पैसा है। और कोशिश करिए कि किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है जाके कंसल्ट कीजिए इससे पहले कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो या उससे ट्रेड करो। और मेरा कोई भी रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के रिस्पेक्ट में या किसी और रिस्पेक्ट में नहीं है। जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री को समझते हैं, जिनको बेसिक की ज़रूरत नहीं है, वो जो नेक्स्ट सेक्शन है जब तक हम इस वाइट बोर्ड पर रहने वाले हैं इसको आप स्किप कर दीजिएगा और आप मूव कर सकते हैं स्ट्रेट अवे उस सेक्शन पर जहाँ पर बैक टू हम स्क्रीनर डॉट इन पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके हम इस कंपनी के स्पेसिफिक एनालिसिस को देखना शुरू कर देंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे। बेसिक जो बैंक्स के बारे में एनालिसिस है वो मैं यहाँ समझाऊँगा। और ये अगर आप देखो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं कि जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो किस बेसिस पे कोई बैंक अच्छा है या बेकार है, वो यहाँ पे इन पॉइंट्स के थ्रू आपको पता चलता है। बाद में तो हम सिंपली फिगर्स को देखेंगे, पर यहाँ पे असली वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के बैंकिंग बिजनेस में कहा जा सकता है कि बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो है इसका कोर बिजनेस मॉडल। और ये मॉडल जो है ये हर बैंक के लिए अप्लाई होगा, इसमें सिटी यूनियन बैंक जो है कोई उसमें स्पेशल उसके लिए मॉडल नहीं होता। सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो सेम मॉडल पर ऑपरेट करते हैं। और जो इनके टारगेट ऑडियंस होती है वो कई बार ये चेंज करते हैं, जैसे कोई कोशिश कर सकता है कि मैंने रिटेल लेंडिंग ज़्यादा करनी है, कोई कोशिश कर सकता है कि मैंने बिजनेस ओनर्स को ज़्यादा लेंड करना है, तो वो फ़र्क आ सकता है। पर मोर और लेस क्योंकि सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर आते हैं तो रेगुलेशंस वही अप्लाई होते हैं और बिजनेस मॉडल मोर और लेस वही रहता है। मोर ओवर जो इनकी सर्विसेज होती हैं, यानी जो ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं रख सकते। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको एक जगह पे एफडी पे 8% रेट मिल रहा है और दूसरा बैंक सिर्फ 5% दे रहा है, तो कोई भी वहाँ एफडी नहीं बनाएगा ना, हर कोई 8% वाले बैंक पे जाएंगे। तो क्योंकि इंडिया में बैंक्स की बहुत ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है, इवन गांव-गांव में बैंक्स अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज को डिफरेंशिएटेड रखना जो है पॉसिबल नहीं होता अनलेस आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफरेंट है। जैसे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं या जो अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं वो डिफरेंट रेट्स चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस अलग हो जाती है। पर मोर और लेस जो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, जो चीज़ें हम टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, वो सब बैंक्स पे अप्लाई होते हैं। तो कोर बिजनेस मॉडल किसी भी बैंक का बहुत सिंपल होता है कि आप जो है पैसा रेज करते हो, वो पैसा जो है आपको डिपॉजिट से मिल जाता है, जिसमें कि करंट अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे कि बैंक के पास पैसा आता है और फिर इसी पैसे को लोन की फॉर्म में आगे दे दिया जाता है। और जो इंटरेस्ट आप डिपॉजिटर्स को पे करते हो वो इंटरेस्ट हमेशा लोन के इंटरेस्ट रेट से कम होता है, यानी कम इंटरेस्ट पे ये पैसा बोरो करता है बैंक और ज़्यादा इंटरेस्ट पे ये पैसा आगे लोन कर देता है। तो जो डिफरेंस है दोनों इंटरेस्ट रेट्स में वो बैंक की बेसिकली कमाई होती है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है, ये अगेन मैं जैसे बोला कॉन्सेप्ट्स की बात है, अगर ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना फाइनेंशियल्स समझाते वक्त नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ये अगर आप सीख जाओगे तो आपका ओवरऑल जो पूरे एक सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर कोई ये पूछे कि
पैसा जो लोन किया जाता है वो तो बैंक्स भी देते हैं और NBFCs भी देती हैं, तो बैंक्स बेहतर क्यों हैं? तो बैंक्स के पास जो रेगुलेशंस हैं उसमें एक जो इनके पास एडवांटेज होता है वो होता है कि इनके पास होते हैं करंट अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स। अब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट अकाउंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब बैंक लोन देता है तो लोन, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हो, आप किसी भी तरह का लोन अगर बैंक से ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फिक्स रहता है। यानी बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखता है, आपका कितना अर्निंग्स है, आपकी कैसा सिबिल स्कोर है, बाकी सब चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं, उसकी बेसिस पे आपको कितना रिस्क है आपकी वजह से, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, उन चीज़ों को देख के एक इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है। पर वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि वो पैसा ओरिजिनली आया कहाँ से। क्या वो किसी FD के अगेंस्ट आया हुआ है, क्या वो करंट अकाउंट के थ्रू आया हुआ है, क्या वो सेविंग्स अकाउंट के थ्रू आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बैंक को। इसको मैं एडवांटेज क्यों कह रहा हूँ? इसको मैं एडवांटेज इसलिए कह रहा हूँ कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट पे जो बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत कम होता है। आप कभी भी नोट करो, FD पे अगर आपको 8% बैंक पे करता है तो आपके सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पे सिर्फ 3% 4% पे करता है। तो ये जो एडिशनल 4% है ये किसका प्रॉफिट है? ये बैंक का है। क्योंकि चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा छोड़ दो और 4% कमाओ, चाहे आप FD बना के 8% कमाओ, जब बैंक उस पैसे को आगे लोन करेगा वो तो उसको 12-13% पे देगा। तो जो FD के अगेंस्ट पैसा आया हुआ था उस पर बैंक कमा रहा है लेट से 13%, और जिसने FD बनाई उसको दे रहा है 8%, तो बैंक की नेट कमाई कितनी हुई? 5% की, 13-8। पर जो करंट अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है, सेविंग्स अकाउंट पे सपोज बैंक 3% इंटरेस्ट देता है, वो पैसे को भी जब लोन पे बैंक आगे देगा तो वो 13% पे देगा। तो यहाँ पे बैंक को कमाई कितनी होगी? 13% जो उसने कमाया माइनस 3% जो वो आपको सेविंग्स अकाउंट पे दे रहा है, यानी कि 10%। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना पैसा करंट अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में बैंक के पास रहता है उस पे उनका जो कमाई है वो ज़्यादा होती है। और ये जो डिफरेंस है ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ बन जाता है, इसको बोला जाता है NIM, जिसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो डेफिनेशन है वो यही है कि कितना पैसा, कितना जो इंटरेस्ट है बैंक को पे करना पड़ता है फॉर सोर्स ऑफ मनी, और कितना पैसा बैंक आगे कितने रेट पे उसको आगे लोन कर सकता है। तो अगर बैंक आगे 13% पे लोन दे रहा है पर जो पैसा जहाँ से आया उस डिपॉजिटर को उन्हें 8% देने पड़ रहे हैं, तो 13-8 5% हमारा NIM हो जाता है। तो NIM जो है वो अलग अलग सोर्स ऑफ मनी की बेसिस पे चेंज हो जाएगा। अगर आपका सोर्स ऑफ मनी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो आप 10% तक NIM बना लेते हो उतने अमाउंट पे जो कि करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट से आ रहा है। और अगर आप जो है FD के अमाउंट को सोर्स लेते हो तो आपका NIM रिड्यूस हो जाता है। अब अगेन ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन की एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, क्योंकि अगर बैंक के पास टोटल लेट से 1000 करोड़ के डिपॉजिट हैं तो RBI अलाउ नहीं करता कि आप 1000 के 1000 करोड़ जो है वो आगे आप लोन कर दो। RBI पहले आपको रिजर्व्स बनाने के लिए बोलता है, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विडिटी, बहुत सारी रिजर्व्स बनानी पड़ती हैं। तो 1000 का 1000 करोड़ पहले तो आप लोन नहीं दे सकते, आपको वो डिपॉजिट रखना पड़ता है लिक्विडिटी और कैपिटल एडिक्वेसी बाकी सब चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये भी नहीं मान के चला जा सकता कि जितना आपने लोन दिया उसमें से कुछ भी डिफॉल्ट नहीं होगा, सारे जिन्होंने भी लोन लिया वो सारे के सारे चुका देंगे, तो उसके अगेंस्ट भी रिजर्व्स बनानी पड़ती हैं। तो बैंक्स का बिजनेस ऐसे ही है कि बेसिक मॉडल आपको समझना है कि एक तरफ से हमने पैसा लेना है और आगे हमने पैसा देना है कम रेट पे, कम से कम रेट पे बैंक जो है पैसा लेना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे बैंक जो है वो पैसा आगे लोन पे देना चाहता है। तो ये अगर बेसिक बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जिस भी बैंक के पास करंट और अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट जो है वो एक मेजर पोर्शन होगा उसके डिपॉजिट्स का, वो बैंक ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और दूसरा, NBFCs जो होती हैं वो बैंक्स जितनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती, सिंपल रीज़न ये होता है कि RBI की जो गाइडलाइंस हैं वो अलाउ नहीं करती NBFCs को डिपॉजिट्स लेने का। यानी NBFCs के पास ना करंट अकाउंट होता है ना सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी होती है, तो उनको ये जो चीप फंड्स होते हैं ना ये नहीं मिलते। तो ये रीज़न है, ये एक एडवांटेज होता है बैंक्स के पास। और
इसमें आपको जो चीज़ समझनी है कि बैंक का सारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का दारोमदार है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर डिपेंड करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर बढ़ेगा तो बैंक ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखाएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर घटेगा तो बैंक्स कम प्रॉफिट दिखाएंगे। दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर 5% है सपोजिंग, तो वो 5% किस बेस पे लग रहा है, अब वो बेस क्या हो जाएगा, जितना बैंक टोटल लोन दे सकता है जिसको टोटल एडवांसेस कहा जाता है। तो जैसे जैसे बैंक की लोन बुक बढ़ेगी यानी टोटल एडवांसेस बढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा बैंक कमाएगा। तो अगर आप कभी भी किसी बैंक के एम्प्लॉय से बात करोगे तो उनके हमेशा टारगेट्स होते हैं कि हमें अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको बढ़ाना है। तो आपको शायद समझ में ना आए कि कोई जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो FDs क्यों बढ़ाना चाहते हैं, वो डिपॉजिट्स क्यों बढ़ाना चाहते हैं अपने बैंक में, क्योंकि जब डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो टोटल पैसा जो बैंक के पास आता है वो इंक्रीज़ हो गया। जब टोटल पैसा बैंक के पास इंक्रीज़ होता है तो जो वो लोन दे सकते हैं वो पैसा इंक्रीज़ हो गया। अब चाहे वो 4% कमाए चाहे 5% कमाए, जब 1,000 करोड़ की जगह वो 2,000 करोड़ का लोन दे पाएंगे तो परसेंटेज चाहे कितनी भी हो पर 2,000 करोड़ आपका बेस तो डबल हो गया ना। तो 2,000 करोड़ का 5% इज डबल ऑफ 1,000 करोड़ का 5%। तो बैंक्स के पास ग्रोथ के दो तरीके होते हैं, एक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज़ हो गया। वो कैसे इंक्रीज़ होगा कि आप ज़्यादा प्रपोर्शन जो है अपने जो सोर्स ऑफ मनी है उसको चीप सोर्स ऑफ मनी को लेके आओ। जैसे कि मैंने बताया करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट चीपेस्ट सोर्स ऑफ मनी होते हैं किसी भी बैंक के लिए, तो जितना आप उनका प्रपोर्शन बढ़ाओगे उतना आपकी जो NIM है वो इम्प्रूव होती है। दूसरा NIM इम्प्रूव होता है अगर आप अपने NPS कम रखते हो। अब अगर आपने जो रिजर्व्स हैं वो आपको कम बनानी पड़ती हैं क्योंकि आपके लोन्स में डिफ़ॉल्ट बहुत ही कम है, आप बहुत अच्छे से पेपर वर्क करते हो, आप बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज़ करते हो कि जिन लोगों को लोन दे रहे हैं वो अच्छे क्रेडिटर्स हैं कि नहीं हैं, वो बाद में डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोसेस बहुत टाइट है, अगर आपके चेक्स बहुत अच्छे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मनी आप लूज़ करोगे बिकॉज कोई डिफ़ॉल्ट करके आपका पैसा मार गया वो आपका नुकसान नहीं होगा, तो आपके उससे भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इम्प्रूव हो जाते हैं। और तीसरा जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का तरीका है वो है कि NIM तो आपका चलो फिक्स हो गया कि परसेंटेज रिटर्न कितना आएगा, आप अपनी टोटल लोन बुक को बढ़ाते जाओ यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोन आप देते जाओ। अगर आपने 1,000 करोड़ का लोन दे रहे थे और अगले साल आप 2,000 करोड़ का लोन दे रहे हो, फिर आप 3,000 करोड़ का लोन दे रहे हो, तो जैसे आपका जो लोन बुक है वो 3 गुना होगी, चाहे आपका NIM की परसेंटेज बढ़े या ना बढ़े आपके टोटल प्रॉफिट्स जो होंगे वो 3 गुना बढ़ जाएंगे। अब ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि इस NIM में से पहले बैंक के जो बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं वो भी माइनस होते हैं। आप सैलरीज देते हो, आपने बिल्डिंग्स ले रखी होती हैं, आपकी मार्केटिंग आप एड्स इतनी आती हैं TV पे तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी आप जो सारी प्रिंट करते हो, और कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो इंटर बैंक चार्जेस होते हैं, जब बैंक्स को जो सर्विसेज ऑफर करनी होती है उसके लिए उनको एक्चुअली पे करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट बैंक्स मोर और लेस इसी बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। अगर आप ये तीन चीज़ें समझ गए हो कि डिपॉजिट्स, लोन्स, करंट अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आपको बैंक का बेसिक बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट्स में अब जाते हैं कि बैंक का हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, बैंक पैसा कैसा बनाता है वो भी समझ लिया, अब हम देखते हैं कि बैंक को सबसे बड़ा रिस्क किस चीज़ का होता है। तो बैंक को जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो है NPA का, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब अगेन मेरा मकसद जो है वो एनालिसिस यानी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस की वजह से हम जब किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं वो समझाने का है। यहाँ मैं कोई RBI का कोर्स या कोई टेक्निकल कोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको उस तरह से बताऊँ कि पेपर वर्क क्या साइन किया जाता है, पर यहाँ पे आपको समझना है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशंस चाहिए तो RBI की वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सारी रेगुलेशंस जो हैं इंक्लूडिंग डेफिनेशंस RBI ही प्रोवाइड करती है। और NPA का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने एज अ बैंक अगर आगे लोन दिया तो नॉर्मली लोन्स की जो होती है इंस्टॉलमेंट्स बंदी होती है, यानी आपने सपोजिंग 1 करोड़ का लोन दिया है और 10 साल के लिए लोन दिया है तो उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट होगी जो मंथली एक्सपेक्टेड होगी या क्वार्टरली एक्सपेक्टेड होगी कि वो आपके पास जिसने भी लोन लिया है वो आपको डिपॉजिट कराए, और वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि इंस्टॉलमेंट टाइम पे आती रहती है इन्हें स्टैंडर्ड अकाउंट्स माना जाता है, इनका NPA से कोई लेना देना नहीं होता। पर RBI की गाइडलाइन क्या कहती है कि अगर आपने लोन दिया और 90 डेज तक आपको इंस्टॉलमेंट ना आ रही है ना उसका कुछ आपको अता पता है, तो उन सारे एडवांसेस को पूरे लोन अमाउंट्स को NPA डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी
क्योंकि पैसा जो है वो जनता का लगा हुआ है, पब्लिक का लगा हुआ है। बैंक के पास जो पैसा है वो उनका अपना तो है नहीं ना, सारे का सारा जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं वो किसके हैं, वो लोगों के हैं। तो ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पास कितना ऐसा लोन है जिस पे आपकी इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो चुकी हैं और 90 डेज तक एटलीस्ट आपको इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो उनको माना जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं RBI ने, जिसमें ऐसी जो एसेट्स होती हैं जिसमें ज़रा सा डाउट हो कि 3 महीने से ज़्यादा हुए हैं पर 1 साल से कम हुआ है। और आपको लोन्स को भी समझना पड़ेगा कि जब कोई लोन बैंक देता है तो बैंक दो टाइप के लोन दे सकता है, या तो सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि आपने लोन तो दिया, 1 करोड़ का लोन दिया, पर आपने ये घर बनाने के लिए लोन दिया है, तो जो घर की ज़मीन है वो आपके पास गिरवी होती है, घर पे जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो सारा एसेट्स आपकी होती है, बैंक की होती है, क्योंकि आपके पास गिरवी पड़ा है। तो सिक्योर्ड लोन्स के केसेस में अगर कोई आपके इंस्टॉलमेंट नहीं भी देता तो फाइनली आप लैंड को बेच के, जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उसको थोड़ा बहुत बेच के आप अपनी रिकवरी किसी हद तक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने किसी FD के अगेंस्ट लोन दे रखा है तो वो FD को आप क्लेम करके थोड़ी बहुत रिकवरी कर सकते हो। कई बार जो बैंक है वो शेयर्स को गिरवी रख के लोन दे देता है, तो शेयर्स का चाहे मार्केट में प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो पर आप कुछ हद तक रिकवरी कर सकते हो। ये होते हैं सिक्योर्ड लोन्स। इसके बाद आते हैं आपके पास अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा पर आपके पास कोई गारंटी नहीं होती। और बहुत सारे लोन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोई फिजिकल गारंटी नहीं होती पर आपने एक गारंटर लिया होता है। गारंटर का मतलब होता है कि कोई लोन लेना चाह रहा है, उसके पास एसेट्स नहीं है जो वो गिरवी रख सके, तो उसको कहा जाता है कि अपने हमारे ही बैंक में कोई और ऐसा इंसान जो आपको जानता है, उसका जिसका अकाउंट है हमारे बैंक में, उसको लेके आओ, वो आपकी गारंटी दे दे। तो कई बार किसी और से भी गारंटी ले ली जाती है कि भाई हम इसको 1 करोड़ का लोन दे रहे हैं पर अप टू सर्टन अमाउंट अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो हम आपसे रिकवर करेंगे, वो गारंटी आप लिख के दे दो। तो इस तरह की मतलब बैंक्स के पास बहुत सारी प्रोविजंस होती हैं जहाँ पे अगर सिक्योर्ड लोन है तो वो जो एसेट्स के अगेंस्ट लोन दिया है उनके थ्रू रिकवरी कर सकते हैं, या फिर अगर अनसिक्योर्ड लोन दिया तो अनसिक्योर्ड लोन पे पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो उसमें मान के पहले ही चला जाता है कि हाई रेट ऑफ डिफॉल्ट पॉसिबल है, क्योंकि आपने कुछ गिरवी रखा नहीं हुआ, कोई गारंटी ले नहीं रखी, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई रहता है कि अगर आप आपके 100 में से 4 लोग डिफॉल्ट भी कर जाते हैं तो बाकी 96 से जो आपकी कमाई होगी वो उन 4 डिफॉल्ट्स को आराम से कवर कर लेगी। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का यहाँ हमने मतलब समझ लिया। अब इसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो लेवल्स क्यों ज़रूरी हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि NPA को समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को और समझना पड़ेगा। और NPA सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि बैंक्स जो हैं वो हाईली लेवरेज्ड होते हैं। आप किसी भी बैंक का जाके जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो देख लो। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो बैंक की अपनी एसेट्स हैं, जो शेयर होल्डर्स की कहना चाहिए अपनी एसेट्स हैं, माइनस जो भी उन्होंने कर्जा देना है। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है कि डेट टू इक्विटी बैंक्स में 1 से ज़्यादा होती है। अभी मोस्ट ऑफ द बैंक्स 5, 6, 10 की डेट टू इक्विटी पे रन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जितना पैसा इन्होंने उधार लिया, यानी जो डिपॉजिटर्स का पैसा है, तकरीबन वो मतलब उसमें से प्रोविजन RBI की जो गाइडलाइंस हैं वो माइनस की जाएंगी, पर बाकी पैसा वो आगे लोन पे दे देते हैं। तो लोन पे जो डिफॉल्ट होता है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पे हल्का सा भी डिफॉल्ट होगा, आपने क्योंकि 10 गुना कर्जा लिया हुआ है, अगर 1% भी कर्जा डिफॉल्ट होता है तो आपकी इक्विटी का 10% वो रिड्यूस करके ले जाएगा। अब सपोज करो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैंने अपना 1 करोड़ रुपया लगाया और मैंने 10 करोड़ का लोन ले रखा है। अगर उस पूरे बिजनेस में, जो कि उधारी का बिजनेस है जैसे बैंक्स कर रहे हैं कि मैं आगे लोन दे रहा हूँ, मैंने ये 11 करोड़ रुपये आगे लोन कर दिए, और मैं कहता हूँ पूरे 11 करोड़ पे, अब ये मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि पूरा 11 करोड़ मैंने जैसे बताया लोन किया नहीं जा सकता, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1 करोड़ मेरा है, 10 करोड़ मैंने डिपॉजिटर्स से लिए जिन्होंने मेरे पास पैसा जमा कराया, मेरे पास 11 करोड़ टोटल हुआ और 11 करोड़ मैंने आगे लोन दे दिया। अब डेट टू इक्विटी की बात करो तो इक्विटी कहाँ है, कितनी है यहाँ पे 1 करोड़ की, डेट कितना है 10 करोड़ का, तो डेट टू इक्विटी हो गई 10। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं कहता हूँ कि पूरे लोन पे 1% का लॉस हो गया मुझे, यानी 11 करोड़ पे 1% का लॉस हो गया, तो 11 करोड़ का जो 1% है वो हो जाता है 11 लाख रुपए, तो 11 लाख का मुझे नुकसान हो गया। तो हालांकि मेरे को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 1% का दिखेगा एडवांसेस पे, पर अगर आप रियल मानों में देखो मुझे तो 10 करोड़ वापस लौटाने हैं लोगों के। 11 लाख का जो नुकसान हुआ जब वो मैं अपने पैसों में से निकाल लूँगा तो मेरी इक्विटी में कितना रिडक्शन हो गया, मेरी इक्विटी में 1 करोड़ -11 लाख्स, यानी कि 11% का नुकसान हो गया मुझे। तो ये डेट टू इक्विटी का यही प्रॉब्लम होता है कि आप
डेट टू इक्विटी की जो भी आपकी रेशियो आती है वो आपके प्रॉफिट्स को भी मल्टीप्लाई कर देती है और आपके लॉसेस को भी मल्टीप्लाई कर देती है। और बैंक्स के केस में जो एनपीए है दैट रिप्रेजेंट्स, वो सिग्निफाई करता है, आपका एनपीए बताता है कि आप कितना पॉसिबली लॉस झेल सकते हो, आपको कितना पॉसिबली लॉस हो सकता है। क्योंकि एनपीए का मतलब क्या है कि 30 दिन तक पैसा आपके पास नहीं आया वापस, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको पहला इंडिकेशन मिल गया कि शायद ये पैसा डूब जाएगा, ये कभी वापस नहीं आएगा। क्या हमेशा ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या सारा पैसा डूबेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके मोस्टली लोन्स जो होते हैं सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, आपने कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट एसेट्स को गिरवी रखा होता है। पर आपको एक फर्स्ट इंडिकेशन, जो हमने कंजर्वेटिव तरीके से अपनी वैल्यूएशन करनी है, वहाँ पे हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिल जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे हमें उस चीज़ को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से एनपीए का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा होगा। अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट्स में लिखो, एनपीए को लेकर अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट्स फटाफट बताने वाला हूँ, जिसको बोला जाता है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अब ये दोनों को अलग अलग समझना क्यों ज़रूरी है, इसमें फ़र्क क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगला टॉपिक जिसको बोला जाता है ग्रॉस एनपीए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया नेट एनपीए। आपको अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को समझना है तो आपको ये टॉपिक्स पता होने ज़रूरी हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी, कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आती, तो आप कभी भी बैंक्स को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि सब क्या देखते हैं ना, प्रॉफिट कितना है बैंक का, प्रॉफिट बढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नेट एनपीए बैंक का बढ़ रहा है दैट मीन्स जो पैसा उसका डूब सकता है वो बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉफिट दिखाने का फ़ायदा क्या है भाई? आप प्रॉफिट दिखाओगे 5,000 करोड़ का और आपको दिख रहा है कि नेट एनपीए में पॉसिबली 10,000 करोड़ डूब सकता है, तो 5 साल तक, शायद 4 साल तक आप ना दिखाओ, 5-6 क्वार्टर्स तक सॉरी ना दिखाओ, पर उसके बाद 1 मिनट में आप सारा का सारा लॉस बुक कर दोगे, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनती ना। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान से देखना होता है। तो ग्रॉस एनपीए का अब क्या मतलब है कि मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा इस चीज़ को, और अगेन ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में ओवर सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ ताकि हम ओवरऑल बिजनेस की सेंस को समझ सकें। यहाँ मेरा कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताने का मकसद नहीं है। सपोज करो आपने 1,000 करोड़ के लोन आगे दिए एज अ बैंक, और उसमें से 30 करोड़ रुपये ऐसे हुए जिसपे कि आपको इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो गई। तो RBI क्या कहता है कि 90 डेज तक आपको 30 करोड़ रुपये इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही, तो ये 30 करोड़ आपका हो जाएगा NPA। और कौन सा NPA? ग्रॉस NPA, यानी ये मैक्सिमम पैसा जो आपका डूब सकता है। बाकी जो आपने 970 करोड़ दिया उस पर तो आपको आ रही है ना इंस्टॉलमेंट्स, तो उनको हम मानेंगे स्टैंडर्ड लोन्स। ये जिसपे 90 डेज पैसा आना बंद हो गया इनको बोला जाता है सब स्टैंडर्ड। ये मतलब सब स्टैंडर्ड हो गया, लॉस हो गया, ये सारी की सारी जो है ना ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप RBI की साइड पे जाओगे कभी भी स्टडी कर सकते हो, मैं कोई यहाँ बुक बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं बेसिक एनालिसिस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ग्रॉस NPA में क्या होता है कि 30 करोड़ को माना जाएगा ग्रॉस NPA, और इसकी परसेंटेज नॉर्मली परसेंटेज की फॉर्म में बताया जाता है, क्योंकि 30 करोड़ का तो मतलब नहीं है ना। 30 करोड़ का क्या मतलब है? छोटा बैंक है, बड़ा बैंक है, तो छोटे बैंक के लिए 30 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम हो सकती है, बड़े बैंक के लिए 30 करोड़ कुछ भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि बैंक के जो टोटल एडवांसेस हैं यानी टोटल लोन्स हैं वो 1,000 करोड़ के थे, NPA ग्रॉस NPA कितने का है 30 करोड़ का, तो 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,000 ये कितना परसेंट है? ये निकल के आता है 3%। तो क्या कहा जाएगा? बैंक का ग्रॉस NPA या GNPA इज 3%। तो ग्रॉस NPA कैसे कैलकुलेट किया? टोटल कितना लोन है जिसपे के पैसा आना, इंस्टॉलमेंट आना बंद हो गया, जो पॉसिबली हम लूज़ कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रॉस NPA। तो ग्रॉस NPA आपको हमेशा ये फिगर बताएगा कि क्या मैक्सिमम नुकसान बैंक झेल सकता है, ठीक है? तो वो एक फिगर आ गई आपके पास। अब RBI ने साथ साथ ये भी बता रखा है कि अगर ऐसा सीन क्रिएट हो जाए कि आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा लोन है जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इसका पैसा इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई, अब ये लॉस में जा सकता है, तो RBI ने अलग अलग परसेंटेजेस दे रखी हैं कि सिक्योर्ड लोन है और अभी 1 साल से कम गड़बड़ हुई है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हुई हैं पर 1 साल से ऊपर नहीं हो गया, क्योंकि एक चांस रहता है ना कोई भी बिज़नेस। सपोज करो किसी ने लोन लिया, उसकी नौकरी चली गई, तो हो सकता है 2-3 महीने वो इंस्टॉलमेंट ना दे पाए, पर जैसे ही नौकरी दोबारा लगेगी वो देना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से किसी ने अब बिज़नेस लोन लिया है और उसके 1-2 क्वार्टर लॉसेज में चले गए, वो कहाँ से देगा पैसा? नहीं दे सकता, पर वो बैंक को इन्फॉर्म करके रख सकता है कि मैं 6-8 महीने में मेरा नेक्स्ट साइकिल जब आएगा तो मैं लोन चुकाना शुरू कर दूंगा दोबारा से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसकी वजह से RBI एक वो बना के देता है कि अगर आपने पहली चीज़ तो लोन के अगेंस्ट कोलेटरल है कि नहीं, यानी आपका सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, उसकी बेसिस पे। सेकेंडली कितना वक्त हो गया भाई, 1 साल से अगर ऊपर हो चुका है कि आपको कोई पैसा आ ही नहीं रहा, तो फिर वो कहते हैं ज़्यादा प्रोविजन्स बनाओ। प्रोविजन का क्या मतलब होता है मैं बताऊँगा अभी। अगर 3 साल से ऊपर हो गए तो वो कहते हैं पूरे के पूरे लोन को राइट ऑफ कर दो, यानी 3 साल से आप पैसा रिकवर ही नहीं कर पाए, इंस्टॉलमेंट ही नहीं आ पाई, तो अब मान लो कि ये पैसा डूब गया आपका। तो जितना
परसेंटेज आरबीआई डिफाइन करता है, वो बेसिकली आरबीआई की एक कैलकुलेशन है, एक सजेशन है कि अगर 3 महीने से 1 साल तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही और सिक्योर्ड लोन है, तो मे बी आप जो सिक्योरिटी है वो बेच के आप 50-60%, 70%, 75% तक रिकवर कर लोगे, 25% आपका डूबेगा, तो 25% की आप रिजर्व बना लो। यानी 1 करोड़ का लोन दिया तो 25 लाख की आप रिजर्व बना लो। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब ये होता है कि हर साल अगर आप किसी भी बैंक को देखोगे तो वो अपने प्रॉफिट शो करता है। अगर सपोज़ करो बैंक ने, मैं जो एग्जांपल लिया था उसी को लेकर समझाता हूँ, कि सपोज़ करो बैंक ने 1000 करोड़ के लोन दिए थे और 30 करोड़ उसमें से उनका हो गया था, इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो गई थी जिसपे, तो 30 करोड़ उनका ग्रॉस एनपीए था। अब सपोज़ करो उस साल में बैंक के 40 करोड़ का प्रॉफिट आना था, पर बैंक ने क्या डिसाइड किया, मैं 40 करोड़ का प्रॉफिट शो ही नहीं करूँगा, मैं शो करूँगा सिर्फ 20 करोड़ का प्रॉफिट, और 20 करोड़ जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने कमाया है उसको हम एक रिजर्व बना देंगे अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस ऑन दिस 30 करोड़। दोबारा से बोलता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, बैंक ने 1000 करोड़ के लोन दिए हैं, उसमें से 30 करोड़ पे इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो चुके हैं, तो उनको एक डाउट है कि ये 30 करोड़ मैक्सिमम डूब सकता है। इस अमाउंट को तो बोल दिया उन्होंने ग्रॉस एनपीए, कि 30 करोड़ यानी 3% ऑफ टोटल एडवांसेस हमारा ग्रॉस एनपीए है। पर उन्होंने क्या करा, अपने प्रॉफिट्स में से 20 करोड़ साइड में रख दिए कि इसको हम प्रॉफिट मानेंगे ही नहीं, इसको हम प्रॉफिट में शो ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 20 करोड़ एक गारंटी है कि अगर ये 30 करोड़ 1% डूब गया तो उसमें से 20 करोड़ जो है वो तो यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, हम इसको प्रॉफिट ही नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब बैंक जो नेट पैसा मैक्सिमम लूज कर सकता है वो कितना है, वो 10 करोड़ है। तो नेट एनपीए कितना हो जाएगा, 10 करोड़, यानी कि 1% ऑफ टोटल 1000 करोड़। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या फ़र्क आ गया, ग्रॉस एनपीए आपका वो परसेंटेज है कि मैक्सिमम पैसा आपका कितना डूब सकता है, जिस पे आपको एक इंडिकेशन मिल गई कि इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई, उसमें से जितने की आपने रिजर्व्स बना दी वो माइनस कर दो तो आपका बन जाता है नेट एनपीए। तो एज इन्वेस्टर्स हमारा मेन कंसर्न कहाँ होना चाहिए, नेट एनपीए पे होना चाहिए। नेट एनपीए पे क्यों, क्योंकि नेट एनपीए वो पैसा है जो डूबने का भी चांस है पर उसके अगेंस्ट बैंक ने अब तक कोई प्रोविजन नहीं बना रखी। अगर वो पैसा डूबता है तो वो उस वक्त जिस साल में वो बोलेंगे कि डूब गया, जिस क्वार्टर में बोलेंगे कि डूब गया, हमने इसको मान लिया कि ये पैसा डूब गया, उतना पैसा वो लॉसेस में इमीडिएटली शो करना पड़ेगा। बाकी का जो पैसा है वो तो उन्होंने ऑलरेडी माइनस कर दिया ना प्रॉफिट से, जो ग्रॉस एनपीए था 30 करोड़ का, 30 में से 20 करोड़ तो उन्होंने प्रॉफिट से ऑलरेडी निकाल ही दिया आपने। अगर कल वो रिकवर हो गया पैसा तो 20 करोड़ वो बाद में प्रॉफिट में दिखा देंगे किसी और क्वार्टर में, पर अभी के लिए उन्होंने माइनस कर दिया। पर नेट एनपीए जो है वो आपका वो पैसा बताएगा जो कि अभी तक बैंक ने प्रोविजन नहीं बनाया जिसका। तो ये सच में वो रिस्क होता है जिस पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे समझ में आ गए तो बेसिकली आप बिजनेस मॉडल समझ गए, आप जो एक प्लस पॉइंट होता है बैंक्स को करंट और सेविंग्स अकाउंट का वो समझ गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझ गए, एनपीए समझ गए, ग्रॉस एनपीए समझ गए, नेट एनपीए समझ गए, तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री का मोटा मोटा जो सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको समझ गए। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, ये वैल्यूएशन के लिए रेशोज होती हैं। इसमें मैं सिर्फ यहाँ प्राइस टू बुक रेशो बताऊँगा क्योंकि ये एक लास्ट चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ बैंक। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी समझ लेते हैं और उसको मैं यहीं पे लिखता हूँ क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो तकरीबन सिमिलर है करंट और सेविंग्स अकाउंट से, कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्राइस टू बुक रेशो जो है ये बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, देखो बुक वैल्यू जो होती है ना वो बेसिकली बैंक का अपना पैसा होता है, यानी शेयर होल्डर्स का अपना पैसा। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई थी स्टार्ट जब किया था वीडियो, कि बैंक का जो सोर्स ऑफ मनी है अगर वो FD है जिसपे वो 8% पे कर रहे हैं तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम आएगा। अगर बैंक का जो सोर्स ऑफ मनी है वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है जिसपे वो 3% पे कर रहे हैं डिपॉजिटर को तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा आएगा। अब सपोज़ करो ऐसा पैसा हो बैंक के पास जिसपे उनको इंटरेस्ट ही पे नहीं करना हो, वो कौन सा पैसा होता है, वो पैसा होता है जो हर साल के प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं बैंक के पास। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आपको ऐसे बैंक दिखते हैं जो ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे करते तो वो एक समझदारी की चीज़ होती है। क्यों समझदारी की चीज़ होती है मैं आपको बता रहा हूँ। आप हर साल प्रॉफिट बुक कर रहे हो एज अ बैंक, सपोज करो आपने 1000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, अगर आप अगले साल अपनी लोन बुक को एक्सपैंड करना चाहते हो आपके पास दो तरीके हैं ना, एक आप डिपॉजिटर से किसी ना किसी फॉर्म में पैसा लो और फिर आगे उसका लोन लो, दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 1000 करोड़ आपने कमाए इसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स में डालो और इसको आगे वापस लोन करो, ये आपका नेट प्रॉफिट है राइट।
इसको भी आप आगे लोन करो। अगर आप जो ये बुक वैल्यू है, जो आपकी इक्विटी है, इसको भी आगे लोन करते हो, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इस बुक वैल्यू पे आपकी कॉस्ट जीरो होती है। जो आपके प्रॉफिट्स हैं पिछले सालों के, उस पे आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना ना किसी डिपॉजिटर को। तो हमेशा बैंक्स की जब वैल्यूएशन करी जाती है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी बुक वैल्यू ज़्यादा रहेगी बैंक की, यानी उतने लोन्स बैंक अपने आपके पैसे से दे सकता है, जिसपे उनका NIM बहुत हाई हो जाता है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उसका डेफिनेशन यही है ना, कितने पे आपने लोन दिया, यानी जितना कितना रेट आप कमा रहे हो, माइनस कितना रेट आपको पे करना पड़ रहा है। जो आपका अपना पैसा है, उस पर आपको जो पे करना है रेट, वो जीरो हो जाता है। तो जो आप कमा रहे हो, वो पूरे का पूरा आपका प्रॉफिट हो जाता है। यानी जस्ट अगर मैं समराइज करना चाहूँ, FD 8% पे थी, 13% पे लोन दिया, मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया 13-5, 13-8, 5%। अगर मैंने FD की जगह सेविंग्स अकाउंट का पैसा यूज़ करा है, तो 13% पे मैं लोन दे रहा हूँ, 3% में सेविंग्स अकाउंट पे डिपॉजिटर को दे रहा हूँ, 13-3 में 10% कमाऊंगा। पर अगर मैं अपने पिछले साल के प्रॉफिट्स को आगे लोन में दे रहा हूँ, तो मैं 13% का 13% कमाऊंगा, वो मेरा 13 का 13% प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि मेरा अपना बैंक का पैसा है, मुझे किसी को भी आगे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना उस पर। तो ये मेरे यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं जो बैंक के हैं, वो यहाँ ख़त्म होते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा आगे से किसी भी बैंक का वीडियो बनाए, तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये कट करके पूरे वीडियो में से ये मैं डाल दिया करूँगा, ताकि जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है, जिसने मतलब पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे हुए, जहाँ पे भी मैंने बैंक का ये एक बेसिक एनालिसिस समझाया है, वो उसको देखेगा एंड आगे वो कंटिन्यू कर सकता है वो स्पेसिफिक बैंक के एनालिसिस से। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने थे, वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सिटी यूनियन बैंक स्पेसिफिकली के एनालिसिस पे, उस ये सारे पैरामीटर्स और बाकी चीज़ें, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, वो हम देखेंगे, टेक्निकल्स भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें अब हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ हम आगे screener.in पे, और यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक आप देख सकते हो मैंने खोल रखा है। इस वक्त इसकी 134 रुपीज़ की प्राइस है। तो सबसे पहली चीज़, ये बैंक कोई बहुत छोटा बैंक नहीं है, बहुत बड़ा बैंक नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने इसीलिए जो बैंक्स हैं वो खोल के रखे हुए थे, अगर अब हम यहाँ पे मार्केट कैप से सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं इसकी, तो ऑब्वियसली HDFC तो सबसे बड़ा बैंक है। तो सिटी यूनियन बैंक को ढूंढते हैं कहाँ पे आता है ये। तो सिटी यूनियन बैंक 27वें नंबर पे आ रहा है, राइट। और टोटल बैंक्स हमारे पास हैं 38। तो बहुत बड़ा बैंक नहीं है, पर बिल्कुल ये कहो कि लास्ट में सबसे छोटे 4-5 हज़ार करोड़ वाले बैंक्स में आता है, उतना छोटा भी नहीं। तो साइज़ वाइज ठीक है, और ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बैंक्स बहुत छोटे होते हैं, उनके पास ऑब्वियसली ग्रोथ के भी प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होते हैं। जो बैंक्स ऑलरेडी बहुत बड़े बन चुके हैं, अब आप सोचो HDFC जो है वो 12 लाख करोड़ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है मार्केट कैप पे, 12 लाख से 24 लाख करोड़ होने का सिर्फ डबल हो रहा है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप और इंक्रीज़ करना एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। वेरस जो छोटे बैंक्स हैं उनके लिए रिलेटिवली वो ईजी होता है, मतलब 9 हज़ार करोड़, 10 हज़ार करोड़ से 20 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पर चले जाना, वो कहीं ज़्यादा आसान रहता है। तो वापस यहाँ पे आते हैं और पहले देखते हैं P2E। तो P2E अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, ये बहुत हाई नहीं है, P2E 10 की लो की तरफ है, पर ऐसा नहीं है कि लोएस्ट है, क्योंकि बैंक्स में अगर आप P2E देखोगे तो ये काफ़ी लो भी हो जाती है। मैं P2E से अगर सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अब ये तो काफ़ी छोटे बैंक्स हो गए, पर कैनरा बैंक देखो, कैनरा बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है और पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, और फिर भी इसका P2E जो है वो मतलब सिटी यूनियन बैंक से हाफ है। और बुक वैल्यू के मामले में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0.8 का रेशो आ रहा है, वेरस मेरे ख्याल से सिटी बैंक का, अगर मैं मेरे को याद है ठीक से, तो 1.5 है। तो यानी बुक वैल्यू भी कैनरा बैंक की जो है ज़्यादा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पे अगर मतलब किसी भी लिहाज से हम देखें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से, यानी प्राइस टू अर्निंग ले लो या प्राइस टू बुक वैल्यू ले लो, क्या सिटी यूनियन बैंक जो है वो बेस्ट डील अवेलेबल है? मुझे यहाँ तक तो नहीं लग रहा। आप साफ देख सकते हो कि कैनरा बैंक जो है इसमें दोनों ही चीज़ें बेटर हैं, राइट। और JNK बैंक को अगर मैं इस वक्त इग्नोर भी कर दूं कि ये छोटा बैंक है, और बड़े बैंक्स को देखते हैं, तो यूनियन बैंक में भी आप देख सकते हो कि P2E भी कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है, और ये बैंक कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम चीज़ है, और इंडियन बैंक में भी सेम चीज़ है, बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम चीज़ है। तो ये सारे के सारे बैंक्स अगर सिर्फ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे हम देखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी सेम बात आपको देखने को मिलेगी, और फेडरल बैंक में भी इवन सेम चीज़ देखने को मिलेगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, पर अगेन प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा बेटर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मतलब कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, इसका साइज़ देखिए आप,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बिजनेस का वॉल्यूम है वहां तक पहुंचने में सिटी यूनियन बैंक को पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, पहुंच भी पाएगा नहीं पता नहीं। तो क्या ये इस वक्त बेस्ट पॉसिबल डील अवेलेबल है? डेफिनेटली आंसर इज नो। इस वक्त पी टू ई और प्राइस टू बुक की टर्म्स में इससे कहीं बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, जिनका मार्केट कैप भी इनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ये एक चीज़ होगी। अब आते हैं जो मैंने दूसरी चीज़ बताई कि इनके एनपीए के बारे में। तो एनपीए के लिए यहाँ पे मैंने इनकी जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है वो खोल रखी, तो इसमें हम सर्च ही कर लेते हैं एनपीए नंबर्स। और यहाँ पे इस स्लाइड में तो दिखाई रहा है, पर शुरू में एक समरी स्लाइड थी वहाँ पे समझना आसान हो जाता है, तो मैं वो खोल लेता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई थी। हाँ, ये वाली स्लाइड हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ये अब यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि नेट एनपीए इनका 2.36%। तो 2.36% जो एडवांसेस है यहाँ पे वो टोटल तकरीबन 44,000 करोड़ है। तो मैंने अब सारा जो थ्योरी पीछे समझाई आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे जो एडवांसेस हैं राइट, उसमें से इतना पैसा 2.36% ऐसा पैसा जिसका इनके पास प्रोविजन नहीं है। अब जो एक चीज़ यहाँ मैं रिलेट करना चाहता हूँ वो ये कि हम इसका एक चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में आपको ना एक मैसिव यहाँ डिक्लाइन दिखेगा कि देखो 200 रुपये पे ट्रेड करा था और ये यहाँ पे 120 रुपये तक तकरीबन चला गया। और ये वो प्राइस है बैंक की जो 120 के अराउंड इसकी प्राइसिंग अभी हुई थी जून में, अभी भी बहुत ऊपर नहीं है, 134 थोड़ा सा रिकवर किया है इसने। और ये प्राइस पहली बार जो है यहाँ पे बनी थी तकरीबन 2016 में। तो अब सिंपल एक जो हम एनालिसिस काफ़ी और वीडियोस में भी करते हैं उसको देखते हैं कि 2016 का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख रहा हूँ, तो एक चीज़ पहले तो मुझे क्या देखने में मिलती है कि कंटिन्यूसली यहाँ रेवेन्यू जो है इनका इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये कंटिन्यूस बहुत स्लो था बीच में, स्लोनेस ज़रूर है यहाँ पे, पर यहाँ पे इंक्रीज डेफिनेटली हुआ है। तो अब 2016 को देखो कि 2016 में जो वैल्यूएशन थी वो ऑब्वियसली 2015 की फिगर्स पे थी, तो इन फिगर्स के ऊपर वैल्यूएशन करी जा रही थी 395 की। अब 395 नहीं, 400 करोड़ से बैंक जो है तकरीबन 950 करोड़ तक पहुँच गया। टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, इससे ज़्यादा जल्दी मैंने बैंक्स ग्रो होते देखे। पर हमें जो एक चीज़ यहाँ पे कंसिस्टेंटली दिखेगी वो ये कि सिवाय इस साल के जहाँ इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट कम था वहाँ भी इन्होंने नेट प्रॉफिट जो है वो बनाया है। और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट आराम से देख सकते हो कि कभी भी नेगेटिव नहीं गया, कभी भी इस बैंक ने लॉस बुक नहीं किया और प्रॉफिट में रहा है बैंक ओवरऑल। अब ये बैंक क्या एक बैड इन्वेस्टमेंट है या गुड इन्वेस्टमेंट है? तो अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखूँ इसको, मैं कहूँगा कैश काउ की तरह है कि हर साल जो है प्रॉफिट बनाता रहता है, लॉस में नहीं गया बैंक, प्रॉफिट बना रहा है। मेन प्रॉब्लम इस बैंक में जो समझने की है वो ये कि इसकी प्राइस में इतना डिक्लाइन क्यों है। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे या रीसेंट इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो देखोगे, तो उसके दो प्राइमरी रीज़न हैं जो मेरी समझ में आए। पहला प्राइमरी रीज़न जो यहाँ पे था वो ये था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस बैंक का वो बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में कम है। और लोन बुक जो मैं दो चीज़ें बताई थी ना कि एनआईएम एक तरीका है, जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा होगा उतना बैंक का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और दूसरा तरीका क्या होता है लोन बुक आप किस स्पीड पर ग्रो कर रहे हो। तो वो भी आप देख रहे हो यहाँ पे लोन बुक इनकी कोई ज़्यादा स्पीड पर ग्रो नहीं होती राइट, यानी ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अपने जो टोटल एडवांसेस हैं उनको बढ़ाते नहीं। तो ग्रोथ जो है कंपनी में स्लो है डेफिनेटली, और प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी ज़रूर है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है बैंक, पर ग्रोथ का जो रेट है वो इनका काफ़ी कम है। और जो गाइडलाइंस बैंक की थी वो ये कि सेम सिचुएशन कंटिन्यू करेगी एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक, यानी फर्स्ट हाफ जो है FY24 का उसमें स्लोनेस रहेगी, और लास्ट जो 6 मंथ्स हैं उसमें इनको लग रहा है कि ये काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे चीज़ों को। दूसरा जो प्राइमरी रीज़न था बैंक की शेयर प्राइस गिरने में वो था इनका नेट एनपीए, जो यहाँ आप देख सकते हो कि 2.36% पे है। तो अगर आप इसको बाकी बैंक से कंपेयर करोगे तो ये रेट जो है काफ़ी कम हो चुके हैं, ये रेट जो है काफ़ी कम हो चुके हैं। पर जो चीज़ बैंकिंग सेक्टर में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये कि बाकी बैंक्स में कंपैरेटिवली आज एनपीए कम है, पर कोविड के टाइम पे सारे बैंक्स में एनपीए बढ़े थे। क्योंकि कोविड के टाइम में देखो हुआ क्या था, जो पूरी इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन हो गई थी, तो जिसने भी लोन ले रखे हैं चाहे वो बिजनेसेस हैं चाहे वो इंडिविजुअल लोग हैं, उनकी लोन चुकाने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग चोर थे, उनकी मजबूरी थी ना, जब आपकी दुकानें बंद हो गई, जब आपके मॉल्स बंद हो रहे हैं, जब आपके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जब लोगों की जो नौकरी है वो जा रही है, कमाने को पैसा नहीं है, तो वो लोन का पैसा कहाँ से चुकाएंगे?
पर जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट खत्म हुआ है, जैसे जैसे नॉर्मेलिटी आई है, इकोनॉमी ने वापस ओपन अप किया है, तो वो जिसकी नीयत नहीं है चोरी करने की, वो तो अपना लोन चुकाना शुरू कर देगा। तो वो सारे जो एनपीएस आपके थे वो आपके एनपीएस से निकल जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल अकाउंट्स में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट्स में आ जाते हैं, वो और एनपीए नहीं रह जाते। तो एनपीए सारे बैंक्स के रिड्यूस हुए। और यहाँ पे भी क्या हम देख रहे हैं कि इनके एनपीएस रिड्यूस हो रहे हैं? तो डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है, 3.5% था, फिर 3.5% से हुआ 3.44 हुआ, 2.95 हुआ। तो यहाँ एनपीए इनके धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एनपीए रिड्यूस नहीं हो रहे। और एक और चीज़ देखने की है कि एनपीए को लेके बहुत जो है बवाल मचा दिया जाता है कि एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया। एनपीए देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया कि लेवरेज्ड है बैंक्स। यहाँ पे भी अगर हम डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 8 है, तो 1% का अगर बैंक लॉस लेता है ना अपने टोटल जो उन्होंने डेट ले रखा है, तो उनकी इक्विटी जो है 8 गुना उसकी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं पहले प्रेजेंटेशन में जाके कि इनके नेट एडवांसेस जो हैं 44,000 करोड़ के हैं और नेट एनपीए 2.36% है। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर में जाऊँ और 44,000 का मैं निकालने की कोशिश करूँ कि 2.34% होता कितना है, तो 2.34 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आता है 1,000 करोड़ के आसपास। यानी अगर वो सारा पैसा डूब जाए, अभी ये दिखा रहे हैं कि 2.36% का नेट एनपीए है इनके पास, राइट। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो हमें ये भी समझना है कि क्या चीज़ सच में एक इशू है और क्या जो है सिर्फ मार्केट में एक हाइप बन जाती है। क्योंकि इनकी एनपीएस को लेके बहुत ज़्यादा ना मार्केट में शोर है, क्योंकि किसी भी बैंक का आप एनपीए उठा के देख लो, एचडीएफसी वगैरह जो अच्छे बैंक गिने जा रहे हैं इस वक्त, उनका एनपीए देखो 1% से भी कम है। इनका जो एनपीए है, नेट एनपीए है, वो 2.36% है, बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। पर यहाँ जो मैं समझाने की चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली समझो कि अगर आपने 44,000 करोड़ के एडवांसेस दे रखे हैं, ग्रॉस एनपीए आपका कुछ भी हो, जो आपके नेट एनपीए है वो आपका मेजर रिस्क होता है। जो मैंने अगर थ्योरी समझाई, अगर आपको समझ में आई है, वो है 2.36%। यानी अगर ये सारे पैसे भी डूब जाते हैं, 100% डूब जाते हैं, तो बैंक को कितना लॉस लेना पड़ता है? बैंक को लॉस लेना पड़ता है 1,000 करोड़ के तकरीबन। पहले तो ये सारे डूबेंगे नहीं, क्योंकि इनमें से जो सिक्योर्ड लोन्स होंगे वो पैसा आप रिकवर करोगे, जो इसमें से पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू रेगुलर अकाउंट्स, यानी जो पैसा वापस शॉर्ट टाइम के लिए नहीं दे पा रहे थे पर अब वो देना शुरू कर देंगे, वो आपके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस बैंक का पिछले साल का जो प्रॉफिट है, ओवरऑल साल के प्रॉफिट की हम बात करेंगे, वो इनका 937 करोड़ है। तो क्या यहाँ आप देख सकते हो कि बैंक सिर्फ एक साल का प्रॉफिट अगर अपना जीरो, मैं सपोज करो यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ इस प्रॉफिट को, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके बड़े से बड़े बैंक्स देख लो जो इस वक्त इससे बेहतर एनपीए सिचुएशन में है, उन्होंने पास में लॉसेस बुक किए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इस बैंक का मैं जो प्रॉफिट है जीरो कर देता हूँ, क्या होगा? 937 करोड़ की मैं और रिजर्व बना पाऊंगा। अभी 937 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट में शो किया है, अगर ये प्रॉफिट जीरो शो कर देते, लॉस भी ना शो करते, सिर्फ प्रॉफिट जीरो शो कर देते, तो 1,029 करोड़ का जो इनका पॉसिबल रिस्क है उसमें से 937 करोड़ की रिजर्व बन जाती, यानी नेट एनपीए रह जाता सिर्फ 100 करोड़ के आसपास। और 100 करोड़ की अगर हम रेशो निकालते एज परसेंटेज ऑफ 44,000 करोड़ ऑफ एडवांसेस, तो वो बहुत कम रह जाती, 0.25% रह जाती, यानी इनकी जो नेट एनपीए रेशो है वो एचडीएफसी से भी बेटर हो जाती। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पूरा एनपीए जो है ये परसेंटेज में हाई है, ये परसेंटेज में एक बड़ा नंबर है, पर यहाँ पे अगर हम जाके उसको एक्चुअली देखते हैं तो हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि एक साल का प्रॉफिट उनके सारे जो एनपीएस हैं, अगर वो सारा पैसा डूब जाए, जो कि होता नहीं है, तो वो पूरे का पूरा यहाँ पे उनका रिकवर हो जाता है। यानी ये कंपनी पिछले इतने सालों में कभी भी लॉस नहीं बुक करेगी। मैंने सिर्फ क्या एक एडजस्टमेंट करी कि इस साल भी आप लॉस मत बुक करो, 2023 में आप ज़ीरो कर लो अपना प्रॉफिट, बिना लॉस बुक किए ज़ीरो करके सिर्फ प्रॉफिट अगर आप अपने सारे एनपीएस को क्लियर कर सकते हो एक साल में, तो इस बैंक में मुझे कोई मेजर रिस्क तो नहीं दिखता। जो मतलब ये बोला जाता है ना बैंक बंद ही हो जाएगा, या जिस तरह से इसकी शेयर प्राइस नीचे गिरी है, मतलब अगर आप यहाँ पे चार्ट पे जाके इसकी शेयर प्राइस को देखोगे और इसकी किसी भी तरह की आप कमेंट्री सुनोगे टीवी चैनल्स पे कहीं पे भी, तो ऐसे बताया जाता है कि इस बैंक का तो मतलब इससे ज़्यादा होपलेस सिचुएशन हो नहीं सकती। तो वो होपलेस सिचुएशन यहाँ नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है बैंक का वो बन चुका, प्रॉफिटेबल है बैंक, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व्स इनकी कंटिन्यूसली जो यहाँ पे हैं इंक्रीज़ हो रही हैं, और एनपीएस जो बैंक है वो रिड्यूस कर रहा है। तो बैंक जो है वो रिकवरी के पाथ पे है। मेरा मानना ये है कि जो रिकवरी कोविड के बाद बाकी बैंक्स
उन्होंने जैसे 2021-22 में जितनी कर ली, ये थोड़े लेट हो गए बस। तो कंपैरेटिवली जब कोई देखता है ना कि सिटी यूनियन बैंक एक बैंक है और एक्स वाई जेड तीन और बैंक है, भाई उनका तो एनपीए फट से कम हो गया, इनका क्यों नहीं कम हो पाया? उनका कम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने रिजर्व्स नहीं बनाए। अगर वही रिजर्व्स बना देते तो एनपीए उनके कम दिखने लग जाते, उन्होंने वही पैसा अभी प्रॉफिट में शो कर रखा है। तो बेसिकली ये सारा गेम है कि कितना आप प्रॉफिट में शो करते हो, कितना आप रिजर्व्स बना देते हो, क्योंकि आरबीआई आपको मिनिमम गाइडलाइंस देता है कि मिनिमम आपको इतना रिजर्व तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप जरूरत से ज़्यादा रिजर्व बना देते हो तो उसमें आपको कोई मनाही नहीं होती। अगर आप जितना एनपीए लग रहा है उससे ज़्यादा की रिजर्व्स बना देते हो तो उससे आपको मना नहीं करता आरबीआई, वो आपका क्योंकि अपना प्रॉफिट आप कम कर रहे हो, उतना पैसा आप रिजर्व्स में डाल रहे हो तो आप उसको आगे लोन नहीं कर सकते, उसको आप आगे चढ़ा नहीं सकते, उस पर आप कमाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से क्या ये बैंक सीरियसली अंडर वैल्यूड है? ऐसा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इससे महंगे बैंक्स भी हैं, इससे सस्ते बैंक्स भी हैं। प्राइस टू अर्निंग में हमने देखा, प्राइस टू बुक में हमने देखा, इसकी बेस्ट फिगर्स तो नहीं है। क्या ये बैंक बिल्कुल होपलेस है कि एनपीए इतना ज़्यादा है कि रिकवरी नहीं कर पाएगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या इस बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है? है, तो इनका बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली सक्सेसफुल है, नहीं तो ये कंसिस्टेंसी जो है आप नहीं दिखा सकते। कोई भी बैंक ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकता अगर उनके बिजनेस मॉडल में एक बेसिक दम ना हो। यहाँ पे जो रिस्क मुझे अब दिखाई देता है वो ये कि इसकी जो ग्रोथ है वो शायद जो बाकी बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में स्लो रहे, और यहाँ मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा। यहाँ पे देखो बहुत स्लो ग्रोथ है, 280 करोड़ से इन्होंने 590 करोड़ आने में कितना टाइम लगा दिया, और यहाँ 600 करोड़ से 900 करोड़ तो फटाफट गया, राइट? तो ये शुरू में यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, मतलब 20-20 करोड़ का सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ये बीच में इनका एक टाइम था जो बहुत स्लो थे, पर अब लास्ट कुछ सालों में इन्होंने पिकअप किया है और यहाँ एक रिडक्शन हुई है। क्यों हुई मुझे नहीं पता, मोस्टली कोविड होना चाहिए ये, कोविड के सिवा कोई रीज़न बनता नहीं यहाँ पर फिर भी इन्होंने प्रॉफिट शो किया। मतलब कोविड में कितने बैंक्स जो लॉसेज में भी गए, यहाँ इन्होंने लॉस नहीं बुक किया एटलीस्ट। तो समझने की बात ये है कि कंपनी इस वक्त जो बैंक है वो बिल्कुल कोई फेल होने की कगार पर नहीं, कोई बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो एक पॉजिटिव चीज़ है, अब ये इन्वेस्टेबल क्यों बन सकता है, वो है इसके टेक्निकल्स। क्योंकि टेक्निकल्स को आप ध्यान से देखो कि आपको वही रेट मिल रहा है शेयर प्राइस का, क्योंकि ये प्राइस कौन देता है, ये मार्केट देती है। तो मार्केट ने ये प्राइस इसको 2017 में दिया था, तब से अब जो इनके नेट प्रॉफिट्स हैं वो 3 गुना तो नहीं, 2.5 गुना तकरीबन ऊपर आ चुके हैं। 400 करोड़ से तकरीबन 937 करोड़ पे आप ऊपर आ चुके हो, 2-2.5 टाइम्स के बीच में है। दूसरी बात, ये हर बार ये जो प्राइस लेवल है इसका 120 का, ये एक सपोर्ट क्यों बनता है? सपोर्ट का क्या मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट बिलीव करती है कि जब ये शेयर प्राइस 120 पे आ जाता है तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पॉइंट है, जहाँ पे ये बैंक इतना चीप हो चुका है कि आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या मैं कह रहा हूँ ये फेयर वैल्यू है इसकी? बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे सस्ते बैंक्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं, हमने देखा। पर टेक्निकली चार्ट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि 120 इसका एक मेजर सपोर्ट है। और मैं इसको सपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि टेक्निकली प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है, इसलिए कि हम कंटिन्यूसली फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट भी दिख रहे हैं। अगर 2015 में ये एक सपोर्ट था यहाँ पे, 2016 में 17 में एक सपोर्ट था, अगर ये 2020 में एक सपोर्ट था, दोबारा से 20 में सपोर्ट था, अगर ये 2022 में सपोर्ट बना है तो 2023 में इस लेवल को सपोर्ट बनना डेफिनेटली बनता है। क्योंकि 2023 में जो सिचुएशन है बैंक की, जो बैंक की फिगर्स हैं, चाहे उसकी बुक वैल्यू ले लो चाहे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ले लो, वो डेफिनेटली 2016 से मच बेटर है। तो पिछले 8 साल में बैंक ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, और अगर 8 साल पहले से ये सपोर्ट लेवल बन रहा था तो आज इस सपोर्ट का सपोर्ट लेवल होना एक काफ़ी रीजनेबल बात मानी जा सकती है। तो अब इसको मैंने पहले बताया था कि मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बाद में बताऊँगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डिफरेंट तरीके से है, जिसमें ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं। जिसको ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं पता वो यहाँ पे फुल स्टॉप कर लो, क्योंकि आपको शेयर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 120 लेवल पे प्राइस आई और इसने वापस रिबाउंड किया, तो मैंने यहाँ पे पर्सनली 130 का जो पुट है उसको सेल किया, यानी मैं 130 रुपीज़ पे शेयर्स खरीदने को तैयार हूँ। पर जब तक वो शेयर्स खरीदने के लिए मुझे फोर्स नहीं किया जाता, मैं वो जो पुट्स का प्रीमियम है उसको वहाँ पे रिकवर करता जाऊँगा। अगर अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो तो इस वक्त यहाँ पे आप मत कन्फ्यूज़ होना, बैंक का बेसिक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शंस में जो सेलिंग होती है वो एक तरीका होता है कि अगर आपको आपका मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा, अब जैसे बैंक 134 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप जाके 130 का पुट सेल कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आपको 2-3 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा। यानी अगर स्टॉक 130 से नीचे आया तो आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और खरीदोगे इतने पे 130 रुपये पे,
ऑलरेडी 2-3 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस 127-126 जितना भी आपने प्रीमियम खरीदा उतना माइनस हो जाता है। तो ये तभी होगा जब आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और अगर ऐसा 2-3 महीने चलता रहा हो, 3 महीने में आपने 10 रुपये कमा लिए, तो 130-10 आपका कॉस्ट बेसिस 120 पे आ जाता है। तो क्या ये शेयर खरीदने लायक है, ये मैं कहूँगा कि रिलेटिवली डिपेंड करता है। इससे बेहतर कंपनीज शायद अवेलेबल हैं, उनका भी मुझे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा देखने के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया का मैं ऑलरेडी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वैल्यूएशन वाइज वो इससे कहीं बेटर आएगा, पर उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सिर्फ शेयर्स में डील करते हो तो बैंक ऑफ इंडिया एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हो या आप उसमें कर रहे हो तो यहाँ पे भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली ये जितना नीचे गिरा है और ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो जो टेक्निकली इंक्लाइंड है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मैंने एक तरीका बता भी दिया कि अगर ऑप्शंस को कोई यूज़ करता है तो आप अपने कॉस्ट बेसिस को और लोअर कर सकते हो, और अगर टेक्निकली नहीं आप सिर्फ फंडामेंटल्स पे बिलीव करते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि इससे बेहतर बैंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और एटलीस्ट इसको थोड़ा टाइम आप वेट कर सकते हो, देख सकते हो 1-2 क्वार्टर के और रिजल्ट्स आ जाएंगे। इनकी मैनेजमेंट खुद ही कह रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर इनका वीक रहने वाला है, यानी Q1 और Q2 जो इनके रहेंगे 2024 में वो इनके वीक, यानी जून में अब जो रिजल्ट्स आएंगे जून तक के और सितंबर तक के रिजल्ट्स 2023 में जो तब तक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है कि हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देखेंगे। उनका बेसिक इस वक्त जो टारगेट है वो है अपने बैड लोन्स को रिकवर करना और NPS को नीचे लेके आना। जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने वाली बात है वो इनकी कोशिश रहेगी लास्ट के 6 महीने में जो साल के रहेंगे, अक्टूबर से लेके मार्च 2024 तक, उसमें ये टारगेट करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो था इस बैंक के बारे में। मैंने आपके साथ सारे प्लस एंड माइनस जो हैं इसके शेयर कर दिए। अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं, बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैंने बता दिया बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर अगर बाकी बैंक्स में, क्योंकि जो अच्छा ट्रेड करें उनमें ऑप्शंस की ट्रेडिंग नहीं मिलती बहुत ज़्यादा, इसमें ऑप्शंस की ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब मैंने अभी देखा नहीं हुआ, 120 का पुट आप सेल कर सकते हो, तो आप बाय कब करोगे शेयर्स, जब प्राइस 120 तक आएगी, और वहाँ अगर आपको 2-3 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है तो आपकी वैसी कॉस्ट बेसिस 117 पे हो जाती है। तो चाहे 134 रुपये पे आपको लगे कि ये शेयर महंगा है खरीदने के लिए, आप अपना कॉस्ट बेसिस को डिसाइड कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग का यही फ़ायदा होता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको नहीं पता और आप सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में डेफिनेटली लिखना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए थोड़ा अलग स्किल सेट चाहिए होता है, और बहुत हवा है मार्केट में कि 90%, मतलब ये फैक्ट है, हवा क्या है कि 90% ट्रेडर्स जो है पैसे लूज़ करते हैं, और वो इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग, 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो बैंक निफ्टी निफ्टी में करते हैं, और स्ट्रैंगल स्ट्रैडल पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें वो करते रहते हैं। अगर तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को यूज़ किया जाए, सोच समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग को एक स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए, तो उसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। हाँ, कोई गारंटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, और ना ही वो जो प्रॉफिट्स होते हैं कि महीने का 10% बना लिया वो कंसिस्टेंटली बनते हैं। महीने का 1% आधा परसेंट बन जाए वही नॉर्मल रेगुलर प्रॉफिट्स होते हैं, पर उसको यूज़ करके प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगेन, मेरी यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वैसी नहीं होती कभी, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, बट ये मेरा एनालिसिस था। मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए, आपको शेयर्स खरीदने हैं तो अदर बैंक्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, अपना कॉस्ट बेसिस लोअर कर सकते हो, अगर आपको लगता है 134 ज़्यादा प्राइस है इसके लिए और कम होनी चाहिए तो आप ऑप्शंस में जा सकते हो, नहीं तो फाइनली जो तरीका है कि 1-2 क्वार्टर आप इसकी वेट कर सकते हो। अब ये चांसेस हैं आपके हाथ से निकल भी जाए या चांसेस है और नीचे आ जाए कि आपको एग्जैक्ट 120 पे खरीदने का मौका मिल जाए और वहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो और भी सस्ता मिल जाए, या फिर ये वापस रिबाउंड करे और वापस 200 लेवल तक चला जाए। क्योंकि इस वक्त एक जो पॉजिटिव चीज़ इसके पास है कि बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, बैंक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हेडविंड्स ओवरऑल सेक्टर की होती है ना वो इंडिविजुअल कंपनीज को भी इम्पैक्ट करती है। जब पूरा सेक्टर अपट्रेंड में हो तो जो सारे बैंक्स, मार्केट अच्छी, मतलब मार्केट रिसेशन में हो सारे बैंक्स नीचे आ जाते हैं ना, अच्छे बैंक्स भी नीचे आ जाते हैं, उसी तरह से जब मार्केट अच्छे मूड में हो तो सारे बैंक्स ऊपर चल पड़ते हैं, जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है वो भी चल पड़ते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस में जो मेन मुझे लगता है कि इनकी प्रॉब्लम है वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो इनको बढ़ाना चाहिए, लोन बुक है जो इनको बढ़ाना चाहिए। जो यहाँ पे ये बात है कि इनका NPA ज़्यादा है वो मैंने आपको बता दिया कि NPA के कंसर्न को यहाँ पे कंसर्न माना जा सकता है, पर वो एक जस्ट शॉर्ट टर्म का कंसर्न है। एक साल यानी कुछ क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स में से इन्होंने 100-200 करोड़ निकाल के अगर प्रोविजंस बनानी शुरू कर दी तो वहाँ पे इनके NPS की प्रॉब्लम जो है वो उसी नंबर्स पे आ जाएंगे जो बाकी सारे बैंक्स के, यानी अंडर 2%, एक बार अंडर 1.5% आ गया तो वो मैच होने लग जाएगा बाकी बैंक्स के साथ, तो वहाँ पे वो डिफरेंशिएशन फिर ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस में लिखिए। मेरी बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और एक जेन्युइन ओपिनियन आपको देने में, प्लस सारे कॉन्सेप्ट समझाने में।
ये कॉन्सेप्ट जो है मैं एक दिन में नहीं सीखा हूँ, महीनों सालों की स्टडी होती है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज भी सीखते हैं। आज भी कोई नई कंपनी देखता हूँ, कोई नई रिपोर्ट मैं देखता हूँ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करता हूँ, तो कोई चीज़ नई समझने को मिलती है। और उस सारे चीज़ को कोरिलेट करके मैं, मतलब जो सालों की स्टडी है उसको आपको मैं एक घंटे आधे घंटे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा। कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, डेफिनेटली आप लिखो, मैं आपकी क्वेरीज हैं तो उनको आंसर करूँगा। और किसी कंपनी के बारे में वीडियो चाहते हो तो वो भी लिखो, आप मुझे बता सकते हो एंड मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो अच्छा लगता है कि किसी को ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।